ग्रैंड विजन के केबल और इंटरनेट कनेक्शन काटने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है। केबल वायर काटने के साथ लाखों रुपए के उपकरणों को भी चोरी कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की बातें कही हैं। ग्रैंड विजन के केबल और इंटरनेट कनेक्शन काटकर प्रसारण को बाधित करने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है। बीती रात दुर्ग सहित भिलाई 3 चरोदा पावर हाउस में केबल कनेक्शन काटने की घटनाएं हुई हैं। साथ में लाखों रुपए के कीमती उपकरणों को भी चोरी कर लिया गया है। केबल काटने की घटना से लाखों दर्शकों को स्वस्थ मनोरंजन से काफ़ी वक्त तक वंचित होना पड़ा। केबल काटने की घटना को चरोदा स्थित युगनेट के संचालक रामेश्वर उर्फ नानी और उसके साथियों द्वारा अंजाम दिया गया था। इस तरह की बेहद निंदनीय घटना की पुनरावृत्ति रोकने जिले के SSP BN मीणा को अवगत कराया गया है, जिन्होंने तत्काल ASP शहर संजय ध्रुव को इस घटना में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। ASP संजय ध्रुव ने मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। शिकायत आई है सुपेला थाना में और दुर्ग कोतवाली में केबल कटने को लेकर, और हम लोगों ने वहां पर टीम भेजा हुआ है। शिकायत मिलने पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, किंतु प्रथम दृष्टया हमारे द्वारा टीम लगाकर इसमें CCTV फुटेज आदि खंगाले जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति इसमें पाया जाता है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की बातें कही हैं। देखना होगा आरोपी कब तक पुलिस के हत्थे चढ़ पाते हैं, जिससे केबल काटने की घटनाओं पर पूर्णतया विराम लग सके और लोगों तक निर्बाध रूप से शासन प्रशासन की जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंचती रहे, साथ ही किसी भी दर्शक को स्वस्थ मनोरंजन से वंचित न होना पड़े। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।